गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको ग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। पहला प्रॉब्लम है द ग्राफ शोस हियर पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट डिफरेंट टाइम। कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पे नीचे जो है ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, इस पर टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, और ये वाई एक्सिस पे इस डिस्टेंस दिया हुआ है। अब तीन पोजीशन दिखाया गया है, ए बी सी डी। आपको इस पोजीशन में ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सॉरी स्पीड कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पहले, पहला केस है फाइंड द स्पीड व्हेन बॉडी मूव ए टू बी, ए से बी तक जब मूव करता है तब। अब देखिए यहाँ से ये जो है इस ग्राफ में, जब बॉडी ए से बी तक जाता है तो टाइम उसको, इस पर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये टाइम पे हम लोग 3 सेकेंड देख रहे हैं, और ये वाई एक्सिस पे ये 3 पे है, यानी डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है, टाइम भी 3 सेकेंड है। तो स्पीड ऑफ बॉडी इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, हियर डिस्टेंस विल बी, देखिए ये 3 है, यहाँ 0 है, 0 3 में 0 माइनस कीजिए, यानी 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, टाइम 3 सेकेंड हो गया। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, 3/3 यानी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड टाइम स्पीड हो गया। अब देखिए जब बॉडी बी से सी तक जाता है, तो इस केस में देखिए डिस्टेंस बी पर आपका 3 पे है, और सी के केस में भी 3 पे ही है, यानी बी और सी में वो 0 डिस्टेंस कवर करता है, यानी 3 माइनस 3 कर दिए, बी पॉइंट के लिए भी डिस्टेंस 3 है, सी के लिए भी डिस्टेंस 3 है, तो दोनों का डिफरेंस 0 हो गया। उसी तरह से फिर टाइम, हम लोग टाइम देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड है, तो 7 में 3 चला गया 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड 0/4 यानी 0 सेंटीमीटर इसका पर सेकेंड स्पीड हो गया, यानी कि रेस्ट में है यहाँ पे बॉडी। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है सी टू डी, तीसरा केस जो है, तो सी टू डी में आपको डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से इधर देखिए 6, और इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम 10 है, 10 सेकेंड। तो अब देखिए सी से डी जाने में, सी पर जब था टाइम 7 सेकेंड था, और डी पे जब है 10, डिस्टेंस देखिए तो डी पे जब है 6 है, और सी पे जब था 3 है, तो डिस्टेंस ये 6 में से 3 माइनस कर देंगे, 3 हो गया, 6 माइनस 3 3, और टाइम हो गया यहाँ से यहाँ तक 10, और यहाँ से यहाँ तक 7, 10 माइनस 7 यानी 3। यहाँ भी आपको डिस्टेंस बाय स्पीड से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपको एरिया से निकालेंगे, यानी कि ग्राफ से, ग्राफ में जो एरिया निकालेंगे एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे खड़ा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट बी, बी के केस में, तो बी के केस में ये देखिए एक ट्रेपिजियम बना है, इस ट्रेपिजियम का एरिया निकालना है। ट्रेपिजियम का एरिया हम लोग को जानते हैं फॉर्मूला, 1/2 प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस फिगर में पैरेलल साइड AO और BE है, जो AO BE लिखी, और डिस्टेंस बिटवीन देम OE है, तो OA हो गया यहाँ से 10, और EB हो गया इतना 20, तो 10 प्लस 20 पैरेलल साइड हो गया, और उसके बीच डिस्टेंस ये 3। तो इससे सॉल्व कर लेंगे 45 हो जाएगा। फिर इस केस में, सेकेंड वाली केस जो है बी टू सी में, तो इस फिगर में आपको निकालना है एरिया इस फिगर का बी टू सी के केस में। तो ये एक रेक्टेंगल है, इसलिए इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ से निकाल लेंगे। तो एरिया बी ई एफ सी का, बी इंटू ई एफ, बी है ये दैट इज 20,
और ई एफ है यहाँ से यहाँ तक कितना है 6, और यहाँ से यहाँ तक 3, 6 में से 3 माइनस हो गया 3, यानी 20 × 3 60 मीटर, ये उसका डिस्टेंस हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। और थर्ड के केस में इस ट्रेंगल से एरिया निकालेंगे, इस ट्रेंगल का एरिया सी टू डी में, सी टू डी में ये डिस्टेंस देंगे, ये आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा, जिसका हम लोग फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे। 1/2 बेस हो गया एफ डी, हाइट हो गया सी एफ। इसमें से एफ डी मतलब यहाँ से यहाँ तक देखिए 8 है, यहाँ से यहाँ तक 6, 8 में से 6 माइनस हो जाएगा 2, एफ डी हो गया 2 और सी एफ हो गया 20, जो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ है वही यहाँ भी है, ये हम लोग मिलाएंगे 20 आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए।